भागलपुर में कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि नरगा मोहनपुर घाट पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात की जानकारी जब युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को मिली तो उन्होंने तत्काल पुल बनाने का निर्देश दिया और करीब एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार हो गया, जिसका विधिवत शुभारंभ आज युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव के द्वारा किया गया और पुल को आमजनों को सौंपा। आपको बता दें कि पुल का निर्माण हो जाने से मोहनपुर से बैरिया, अजमेरीपुर और दियारा जाने वाले हजारों घरों को बहुत सुविधा होगी और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र आधा किलोमीटर हो जाएगा। पुल के बनते ही आसपास के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है और सबों ने युवा समाज से भी विजय कुमार यादव का आभार जताया। इस मौके पर गंगा मंडल, बिरबल यादव, जीवन कुमार, डब्लू, संजय शाह, अमित यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम था भैया? आज का कार्यक्रम जो है यहाँ पे ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती थी, कुछ फसल भी कट रहा है, जो एक पुल जो है बांस का एक पुल का निर्माण था उसी का जो उद्घाटन कार्यक्रम था और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ का लोगों का कहना था भाई पुल हो जाए जिसमें सबको मतलब उधर से जो फसल वगैरह कटती है आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, करीब 5-6 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता था, इसलिए पुल का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन था। जवाहरलाल मंडल है और विजय विहार से विनती किए हैं कि भाई ऐसा सहयोग करिए विजय विहार जी, सब गरीब लोग का जीवन बच जाए, 3 कोस घूरना पड़ता है, इसलिए विजय विहार का कृपा हुआ, 5 पुल दिया, बन गया, आए उद्घाटन था। आप लोग का इसी में धन्यवाद करते हैं विजय भैया का, हम लोग सब दिन आभारी बने रहे। विजय भैया जिंदाबाद।